अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सीमा शेख आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने चैनल मुख्तलिफ जायके में। आइए आज हम बनाने वाले हैं चांप फ्राई। आइए देखते हैं चांप फ्राई बनाने के लिए हमने किन किन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। इसमें हमने आधा किलो चांप ली है, इस तरह से पीसेस होते हैं, ये 8 पीसेस हैं। एक अंडा लिया है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच इमली ली है हमने, तकरीबन इस तरह से ये पीसेस 2 चम्मच लिए हैं। इसे हमने आधा घंटा पहले भिगा दिया था गर्म पानी में। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है, 8 हरी मिर्च ली है, ये बहुत तेज़ वाली हरी मिर्च है, एक चांप में एक मिर्च की तेज़ी का काफ़ी होता है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डालें। नाज़रीन, इन सारे मसालों को हमने एकदम फाइन पेस्ट पीस लेना है। इमली, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया, हरी मिर्च, हल्दी और गरम मसाला, इन सबको एक जान कर लेना है। पीसने के बाद इसमें चांप में डाल के हमको गलाना है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डालें। नाज़रीन, मसाला एकदम फाइन पीस गया है, एकदम बारीक एकदम पेस्ट कर लिया है हमने, और चांप को हमने कुकर में डाल लिया है। इसमें ऑयल नहीं डालना है, इसको सारे मसाले को हमने इसमें ही डाल देना है। अच्छे से साफ करके सारे मसाले को आप इसमें डाल दें। इमली, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया, हरी मिर्च, गरम मसाला पाउडर, सब चीज़ों को हमने एक जान कर लिया है। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से इसके ऊपर डाल देंगे। जितना भी मसाला है नाज़रीन, उसे ज़ाया ना करें। अच्छे से सारे मसाले को आप इसमें इस तरह से डाल दें। इसमें शामिल कर देंगे नमक और सारे मसाले को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस ऑन कर देंगे, थोड़ा सा पानी और इसमें डाल देंगे नाज़रीन। तकरीबन 1/2 कप जितना, और इसको कवर करें। एक प्रेशर इसमें आ जाएगा, यानी एक सीटी बोल जाएगी, उसके बाद हमने इसको 5 मिनट या 10 मिनट गलाना है। गलाने का हिसाब आप अपने हिसाब से देख लें, ये एकदम फ्रेश है, आई थिंक 5 मिनट में गल जाना चाहिए। अगर फ्रीजर का रखा हुआ गोश्त है तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, 10 से 12 मिनट लगेंगे। नाज़रीन, गलाने का हिसाब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा नहीं गलना चाहिए, एकदम मतलब फूट नहीं जाना चाहिए गोश्त। अगर फूट जाएगा तो फिर वो फ्राई करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइट रहना चाहिए, इतना आपको गलाना है। नाज़रीन, 5 मिनट के बाद हमने कुकर खोल के देखा था, चांप नहीं गली थी। 5 मिनट इसे हमने वापस ढक्कन लगा के एक विसल आने के बाद 5 मिनट और रखा है, यानी टोटल 10 मिनट में ये गल गई है अब बिल्कुल अच्छे से। अब इसमें जो पानी है, ये जो मसाले का पानी बचा हुआ है, इसे हमने क्या करना है, इसे हमने बिल्कुल खुश्क कर लेना है। एकदम जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद हमने इस चांप को बाहर निकालना है एक फैले हुए बर्तन में। इसको आप ध्यान रखें, बहुत अच्छे से खुश्क कर लें, जलना नहीं चाहिए मसाला, बहुत अच्छे से बस गाढ़ा हो जाना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि चांप आपकी ज़्यादा गल गई है, आपके यहाँ जो आप जैसा गोश्त यूज़ करते हैं उसमें ऐसा लगता है जल्दी ज़्यादा गल गई है, तो आप हर पीसेस को संभाल के निकाल के इसको फैले हुए बर्तन में रख लें और मसाले को अलग से खुश्क कर लें, और उसके बाद सारा मसाला आप चांप के ऊपर लगा दें। ये जैसे ये खुश्क हो जाएगी नाज़रीन, इसको हम बड़े फैले हुए बर्तन में निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लावर और अंडा लगाएंगे और फिर बाद में हमें आपको इसको फ्राई करके बताते हैं। देखिए नाज़रीन, चांप एकदम ड्राई हो गई है, मसाला एकदम बोटियों पे लिपट गया है बहुत अच्छे से, इस तरह से एकदम ड्राई हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसको एक
पहले हुए इस तरह से बड़ा सा कोई बर्तन ले लें, उसमें हमने इसको निकाल लेना है। ऑयल हमने डीप फ्राई करना है इसको, ऑयल हमने गर्म करने पहले ही रख दिया है ताकि वक्त हमारा ज़ाया ना हो। एक एक पीस को संभाल के इस तरह से इसको निकाल लें। जो बचा हुआ मसाला है उसे भी हमने एकदम साफ करके अच्छे से इसके ऊपर, जो हमारी चाप है इसके ऊपर लगा देना है। पैन हम अपना इधर रख लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है अच्छे से, इसे थोड़ी फ्लेम मीडियम कर लेंगे। नाजिन अब ये जो कॉर्नफ्लावर है इसको हमने इसके ऊपर अच्छे से छिड़क देना है। और जो अंडा है इसको भी हमने फेंट के रखा हुआ है, इसको भी हमने इसके ऊपर अच्छे से डाल देना है और हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। नाजरीन चाप को हमने कॉर्नफ्लावर और अंडे में बहुत अच्छे से कोट कर लिया है हाथ की मदद से। आप गर्म है इसलिए थोड़ा सा ठंडा किया पहले, उसके बाद इसको अच्छे से कोट कर लिया। आप खाली कॉर्नफ्लावर से भी कोट कर सकते हैं, लेकिन अंडे से थोड़ा और अच्छा हो जाता है, जायका भी अच्छा हो जाता है। अब हमने क्या करना है, अब एक एक करके इसको हमने गोल्डन सा फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम अभी हमने मीडियम ही रखी है, इसे थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे। थोड़ा सा एक साइड कलर आने देंगे, उसके बाद हम इसको टर्न कर लेंगे। बहुत ही अच्छा जायका होता है इसका, ये इस तरह से बनाई हुई चाप का। नाजरीन बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही थी जिस वक्त कुकर खोला है हमने, क्योंकि हरा धनिया, गरम मसाला, हरी मिर्च का जायका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है अदरक लहसुन के कॉम्बिनेशन और गरम मसाले के कॉम्बिनेशन से, और जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये हमारी स्पेशल है इस तरह से बनाई हुई, बहुत ज़्यादा पसंद आती है सबको। अच्छा नाजरीन एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी, जो हमने ये 8 पीसेस यानी 1/2 kg चाप में हमने 8 हरी मिर्चें ही डाली हैं तेज़ वाली, उतना ही तेज़ी काफ़ी है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ अच्छा नहीं लगता है। हाँ अगर आप ज़्यादा उससे भी ज़्यादा तेज़ खाना चाहें तो बेशक आप डालें, लेकिन ये इतना काफ़ी है। हल्का सा इसमें कलर आने लगा है, फ्लेम हम थोड़ी सी फास्ट कर लेंगे। इस तरह से इसको हम टर्न कर देंगे, दोनों साइड से अच्छे से बहुत अच्छे से इसको गोल्डन सा फ्राई कर लें। दूसरे पीसेस भी हम इस तरीके से ही इसमें डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा सा मसाला भी इसमें इसके ऊपर डाल दें ताकि मसाला अच्छे से इस पर चिपक जाए। वैसे काफ़ी हद तक मसाला इस पर चिपक चुका है क्योंकि कॉर्नफ्लावर और अंडे से अच्छे से कोट किया है, तो इसमें जायका बहुत अच्छे से आ चुका है। इस तरह से आप दोनों साइड से अच्छे से टर्न करके इसको अच्छे से गोल्डन सा फ्राई कर लें। देखिए नाजरीन सारे पीसेस में कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आ गया है। अभी थोड़ा सा इसे हमने और फ्राई करना है, कुछ पीसेस में अभी और थोड़ा बाकी है। दोनों साइड से आप टर्न कर करके इसको अच्छे से इस तरीके से कर लें।
ताकि ये सब साइड से अच्छे से सिक जाए। नाज़रीन एक बात का और ध्यान रखें, अभी हम इतना ज़्यादा ऑयल लेते हैं डीप फ्राई के लिए, तो उस ऑयल में थोड़ी सी जो स्मेल आ जाती है इसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तीन बार चार बार तो हम यूज़ नहीं करते हैं, रीयूज़ यानी सेकेंड टाइम यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा जो ऑयल बचता है नाज़रीन, उसको हमने क्या करना है कि अगर हमें किसी और सालन में यूज़ करना है तो इसका जायका उसमें नहीं आ जाए, उसके लिए हमने करना है ये जितना भी ऑयल है उसमें हमने एक इंच अदरक का टुकड़ा छील के उसको इसमें डाल के एक बॉयल दे देना है। देने के बाद उसको छोड़ दें, जब वो ठंडा हो जाए तो आप किसी बर्तन में भर लें, उसका जायका जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, आप दूसरे किसी भी सालन में उसे यूज़ कर सकते हैं। हम एकदम परफेक्टली हो चुका है, अब इसे हमने एक एक करके बाहर निकाल लेना है। एकदम परफेक्ट हो चुका है, अब इसे हमने डिश आउट कर लेना है। गैस हम बंद कर देंगे और इसे बहुत अच्छे से एक एक पीस को इस तरह से ड्रेन करके इसे हमने निकाल लेना है। इस तरह से आप किसी भी पेपर टिश्यू में निकालें ताकि जो भी ऑयल है वो और अच्छे से इसमें इसका ड्रेन हो जाए। इस तरह से ये नाज़रीन आप सारे पीसेस को अच्छे से निकाल लें। अभी हम आपको इसको डिश आउट करके बताते हैं। तो लीजिए नाज़रीन, ये बेहद लजीज सी चाप रेडी है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ सीमा शेख आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होगी। अल्लाह हाफिज़।